धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर। मैं अति लोक महत्व के विषय को शून्यकाल में उठाना चाहती हूँ। दिल्ली से सटे नोएडा कभी इलेक्ट्रॉनिक्स और लघु और सूक्ष्म उद्योग का हब कहा जाता था। आज यह उद्योग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। धीरे धीरे यहाँ उद्यमी पलायन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है, जब से चीन और कोरिया ने बाजार पर एक छत्र कब्जा किया है, तब से भारतीय सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम इकाइयों में बने उत्पादन चीन और कोरिया के सामने प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है, जिसके चलते यहाँ के उद्यमियों को अपनी औद्योगिक इकाई को बंद करके पलायन करना पड़ रहा है, जिसके कारण रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं और सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। यही औद्योगिक इकाइयाँ जो ग्रेटर नोएडा को विश्व स्तरीय पहचान दिलाती थी, आज हम दम तोड़ता नजर आ रहा है। जहाँ तक हम ग्रेटर नोएडा को सिंगापुर बनाने का ख्वाब देख रहे थे, लगता है प्रदेश सरकार की उदासीनता और औद्योगिक नीति के कारण यह ख्वाब न रह जाए। इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि दिल्ली NCR को विश्वसनीय शहर बनाने के लिए ध्यान दें और दम तोड़ रहे भारतीय औद्योगिक इकाइयों को चीन और कोरिया के प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए नीति तैयार करें और उद्यमियों को पलायन को रोक सके, जिससे लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।